हेलो फ्रेंड्स, लेवल ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आज का दिन का जो ट्रेडिंग सेशन रहा, मतलब 28 जून 2019 का जो ट्रेडिंग सेशन रहा वो कैसा रहा, साथ ही साथ नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए मतलब मंडे का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा 1 जुलाई 2019, तो उसमें से कौन से स्टॉक आपको कौन से लेवल पे इंट्राडे बेसिस पे कौन से स्टॉक आपको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उन सबका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर क्लिक करिए, साइड में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर क्लिक करिए, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, वहां जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मैंने ट्रेड लिया है, एक ही ट्रेड मैंने लिया था क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था। आप अगर रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कल मेरा वीडियो नहीं आया था, कल मैंने ट्रेड कोई भी ट्रेड नहीं किया था। साथ ही साथ मैंने जो है कोई स्टॉक सिलेक्ट भी नहीं कर पाया था क्योंकि कल मुझे एनालिसिस करने का टाइम भी नहीं मिला था। तो आज के दिन के लिए मैंने जो गैप अप गैप डाउन स्टॉक रहते हैं 19 में से एक स्टॉक को पिक किया था। तो ये सारे स्टॉक जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गैप डाउन में जी एंटरटेनमेंट का स्टॉक था जो -1% नीचे ओपन हो रहा था। साथ ही साथ अगर गैप अप में देखेंगे डॉक्टर रेड्डी एंड एससीएल टेक, ये दोनों स्टॉक साथ ही साथ टेक महिंद्रा भी था। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो मुझे जो मिला है, मुझे मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंगली मुझे एससीएल टेक से मिला है। तो एससीएल टेक में मैंने एक ही ट्रेड लिया था, मैं आपको पोजिशन दिखाता हूँ। तो एससीएल टेक में मुझे 1800 का प्रॉफिट हुआ है। तो एससीएल टेक में ज्यादा कुछ ये जो मेरा स्ट्रेटेजी था उसमें मुझे करना नहीं पड़ा, तो एकदम मुझे 1800 का प्रॉफिट मिला है जो कि अच्छा प्रॉफिट है एक दिन ट्रेडिंग के लिए। एंड उसमें से देखिए एससीएल टेक का जो है उसने गैप अप ओपनिंग हुआ था तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिला था। एक मिनट, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही ओपन हुआ तो यहाँ पे नीचे आ रहा था, नीचे आने के बाद मैंने इसको वॉच कर रहा था एक लेवल से वो ऊपर की ओर जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 2 कैंडल का जो रिजेक्शन मिला है तो वहां से मैंने इसको बाय किया हुआ था, एंड वहां से लेके यहाँ तक का जो मेरा टारगेट था, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने यहाँ से इस कैंडल से लेके एक ग्रीन कैंडल से लेके यहाँ तक मैंने स्टॉप लॉस देखिए बिल्कुल भी छोटा था, बिल्कुल भी छोटा था, मतलब लॉस का कुछ ये नहीं था, लेकिन मुझे जबरदस्त इसमें जो है प्रॉफिट हुआ है। एंड एससीएल टेक में जो है एक ही ट्रेड हुआ, बाकी डॉक्टर रेड्डी में वैसा कुछ मुझे लेवल्स के ऊपर जो है मुझे रिजेक्शन नहीं मिला था, बाकी कोई स्टॉक में नहीं मिला। तो चलिए ज्यादा कुछ वो है नहीं इसमें, तो नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स हम देख लेते हैं जो मैंने सिलेक्ट करके आपके लिए रखे हुए हैं। तो पहला जो स्टॉक है वो है सन टीवी का। देखिए सन टीवी में एक्चुअली हुआ क्या है, तो इसको थोड़ा अगर जूम आउट करेंगे तो आपको पता चला। जो लोग देखिए सन टीवी जैसे ही ये लेवल के ऊपर आया, देखिए जैसे ही देखिए कितना दिन से ये स्टॉक जो है ना, ये वन डे का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए कितना दिन से ये स्टॉक ट्रेंड लाइन को, जो ट्रेंड लाइन मैंने बहुत दिन पहले ही ड्रॉ किया था, ये सारे बहुत दिन पहले ही ड्रॉ किया हुआ है। तो उस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक किया था, मैंने आपको सजेस्ट किया था कि देखिए ये स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा सकता है। यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, अब क्या कर रहा है कि फिर से इसी रेजिस्टेंस के आसपास आके रुक रहा है। मतलब ये जो है ना, ये उसका सपोर्ट है अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ से आयदर तो ये स्टॉक ऊपर की ओर जा सकता है, लेकिन इसको अगर ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैं इसको अपने वॉचलिस्ट में बना के रखा हूँ सन टीवी को, ठीक है, सन टीवी को इसलिए मैं वॉच लिस्ट में बना के रखा हूँ। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है रिलायंस इंफ्रा का। रिलायंस इंफ्रा में आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे ही आपको सजेस्ट किया था, ये ट्रेंगुलर पैटर्न को जैसे ही ब्रेक किया, आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मोमेंटम हुआ है बिकॉज ऑफ ये जो ट्रेंगुलर मोमेंटम है, ट्रेंगुलर जो पैटर्न बनाया था रिलायंस में, उसमें जैसे ही ब्रेकआउट किया है आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का मोमेंटम हुआ है। एक साथ मोमेंटम नहीं हुआ, ऊपर नीचे होकर लेकिन ऊपर की ओर ही गया है। अब क्या बन रहा है एट प्रेजेंट, अगर आप देखेंगे तो इसने ये एक ट्रेंड लाइन बना के रखा है। मतलब यहाँ से एक बार बाउंस होकर ऊपर गया, दो बार यहाँ से बाउंस हुआ, तीन बार यहाँ से बाउंस हुआ, और चौथी बार इसी रेंज को इसने तोड़ने की कोशिश किया क्योंकि बाउंस बैक लेने का रहता, तो यहाँ से वो बाउंस बैक ले चुका होता। अब देखिए यहाँ से इसने ऑलरेडी एक रिजेक्शन ऊपर की ओर दे चुका है, लेकिन
आज के दिन क्या किया है, जो तीन चार दिन पहले जो अपसाइड था उसको वो ब्रेकआउट करके नीचे की और उसने कोशिश किया है मतलब आज के दिन के लिए क्लोज करने के लिए, तो इसमें एक व्यू बनता है कि शायद इसमें नीचे की ओर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। रिलायंस हैवीवेट स्टॉक है, इसको अगर आप देखेंगे ये अगर नीचे चलने लगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको निफ्टी भी नीचे जाने लगेगा, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में बना के रखिए। तो ये है आपके प्रॉपर लेवल पे मिल रहे हैं, हो सकता है इसको यहाँ अगर ब्रेक करता है इस ट्रेंड लाइन के पास, ये जो रेड कलर का ट्रेंड लाइन है इसके ट्रेंड लाइन है इसके पास आता है तो यहाँ से भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, ये चीज को आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है कैस्ट्रोल इंडिया, कैस्ट्रोल इंडिया में जबरदस्त आज ही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आया है, तो आप इसको नजर बना के रखिए नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये उसका सपोर्ट था, ये जो था सपोर्ट था, सपोर्ट क्यों था क्योंकि देखिए यहाँ से वो दो बार रिजेक्ट होकर ऊपर की ओर गया था, तो थर्ड टाइम इसने इसको ब्रेक किया हुआ है विथ गुड वॉल्यूम। अब इसमें वॉल्यूम भी कभी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से वॉल्यूम का क्रिएशन हुआ है, तो इसमें जो क्लोजिंग है मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसके लो के आसपास हुआ है, मतलब 132 का लो है 132.30 का और इसका क्लोजिंग बिल्कुल लो के आसपास हुआ है 132.50 पे हुआ है, तो इसको आप नजर बना के रख सकते हैं सेल साइड पे, मतलब इसका जो लो है 132 अगर क्रॉस करे नीचे की ओर तो इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ आप अगर प्राइस एक्शन नहीं जानते नहीं तो फिर आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, मैं तो जो स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ मैं प्रॉपर लेवल के ऊपर अगर कोई स्टॉक मुझे मिलता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा का आप देख सकते हैं ये रेंज को जैसे ही इसने ब्रेक किया यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से एक डबल टब जैसा बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ से डबल टब बनाने के बाद फिर इसी रेंज पे आ गया था, फिर यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, अब ये इसने ब्रेकडाउन दिया हुआ है। अगर ये इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया हुआ है तो ये लेवल तक उसको आना चाहिए, तो आज के दिन दो चार दिन में ये 675 का जो लेवल है इसको टच करेगा, फिर यहाँ से एक बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा, तो इसको इसलिए मैं पोजिशनल व्यू पे इसको भी रखा हूँ अपने वॉच लिस्ट पे। नेक्स्ट जो है वो है जुबिलेंट फूडवर्क का। जुबिलेंट फूडवर्क में देखिए ये अपने ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, इन द सेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए कितनी बार इसने रिजेक्ट, यहाँ से एक बार यहाँ से रिजेक्ट किया, जब ये नीचे से आया यहाँ से तो रिजेक्ट होकर फिर नीचे की ओर गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर गया, फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गिर गया, अभी एट प्रेजेंट ये ट्रेंड लाइन के आसपास आ चुका है, तो हो सकता है यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाए, तो इसको हम बाय साइड पे नजर बना के रखेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाता है तो हम इसको सेल साइड पे, लेकिन अभी के लिए एट प्रेजेंट अगर क्लोजिंग अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे होता है मतलब डे एंड पे तो इसे नेक्स्ट डे के लिए हम ब्रेकडाउन पे रखेंगे, लेकिन एट प्रेजेंट इसका व्यू हमारा बाय साइड पे ही रहेगा। नेक्स्ट जो स्टॉक है MFSL, तो इसको भी आप नजर बना के रखिए इसने क्या किया है, आप देख सकते हैं मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये वन डे का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट किया, थर्ड टाइम इसने सपोर्ट किया, लेकिन एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो इसने ब्रेकडाउन दे दिया है, मतलब इस ट्रेंड लाइन को तो ब्रेकडाउन दिया है लेकिन इस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस ट्रेंड के पास इसका सपोर्ट है, तो इसको आप नजर बना के रखिए, तो यहाँ से शायद इसको एक बाउंस बैक ऊपर की ओर इसको मिल सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है सीमेंस का, तो इसको आप नजर बना के रखिए क्योंकि देखिए ये जो है ये एक अच्छा खासा फ्लैग पैटर्न, इसको हम फ्लैग पैटर्न बोलते हैं जो लोग नहीं जानते, अच्छा खासा अपमूव के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ था, फिर इसने कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ अच्छे वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया है, तो ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो एक रीजन है ना वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रीजन है, अगर वो रीजन को क्रॉस करता है तो इसमें अच्छा खासा अपमूव देखने को मिलेगा, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखिएगा ये जो लेवल है ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। तो इसमें जो व्यू रहेगा अगर कल के दिन मतलब मंडे को अगर आज का दिन का जो हाई बना है 1320 तो 1320 को अगर क्रॉस करता है तो इसमें उम्मीद है कि इसमें एक अच्छा खासा अपमूव देखा जा सकता है क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट जस्ट नीचे ही हुआ है इसका। नेक्स्ट है कनरा बैंक में देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस से ही रिजेक्शन हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये उसका रेजिस्टेंस लेवल है, कितनी बार इस रेजिस्टेंस के आप देख सकते हैं उसने रिजेक्ट करके नीचे की ओर आया है, तो अभी एट प्रेजेंट इसी रेजिस्टेंस उसी रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन लिया हुआ है, तो अगर आप देखें तो आज का दिन का जो लो बनाया है
आज का दिन का जो लो बनाया है, तो इसको हम सेलिंग साइड पे बना के रख सकते हैं अगर प्राइस एक्शन के बेसिस पे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कैंडल है। अभी भी प्रोजेक्ट रिजेक्शन हालांकि मिला है, लेकिन ये फिर भी एक जो है बुलिश कैंडल है, तो इसको आप नजर बना के रखिए। एक प्रॉपर लेवल पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो इसको सिर्फ ट्रेड करिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट स्टॉक आपके लिए जबरदस्त स्टॉक है क्योंकि इसमें ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ये फ्लैग पैटर्न का क्लियर कट ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और पॉजिटिव साइड पे, तो इसको आप नजर बना के रखिए। इसको आप ट्रेड करना चाहे तो आप मंडे को इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये 8560 को क्रॉस करे, 8560 को, इसका हाई है 8557, अगर ये 8560 को क्रॉस करे, ध्यान रखिए राउंड फिगर में आप ट्रेड करिएगा, 8560 को अगर क्रॉस करे तो इसको आप बाई साइड पे लेके जा सकते हैं मंडे को, क्योंकि एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है और ऊपर की ओर कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसमें, तो इसमें उम्मीद है कि एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ से उसको मिलनी चाहिए। तो बस आपको सिर्फ यही चीज, इतना सारा स्टॉक जो है अभी तक मैंने अपने वॉच लिस्ट में बना के रखा है, और कोई स्टॉक अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आपको मुझे अगर मिले तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम चैनल पे या यहाँ पे वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा। तो जो भी आपकी क्वेरी है आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, और जो लोग इंटरेस्टेड है कोर्स ज्वाइन करने के लिए, प्राइस एक्शन सीखने के लिए, पैटर्न सीखने के लिए, वो लोग मुझे जो है मेरे ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं, आपको जो है कोर्स की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। जो लोग इंटरेस्टेड है सीखने के लिए वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग नहीं है वो उनके लिए भी कोई बात नहीं, वो लोग कोई किसी ना कहीं से भी तो सीख लेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड थैंक यू सो मच।